खारघर मधील राष्ट्रीय फॅशन औद्योगिक संस्था येथे समारोप कार्यक्रमासाठी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी उपस्थिती लावली होती। यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एका वर्गाचा निरोप समारंभ पार पडला। यावेळी विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या अनेक कपड्यांचे डिझाईन आणि वस्तूंचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते। त्या ठिकाणी पीयूष गोयल यांनी भेट देत विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले। यावेळी व्यासपीठावर अनेक मान्यवर उपस्थित होते। नवयुगात फॅशन डिझायनिंगला खूप मोठे महत्त्व असल्याचं सांगून आपण घेतलेल्या शिक्षणाचा उपयोग समाजासाठी करावा आणि त्यातून देशाचे नाव उज्ज्वल करावे अशी इच्छा व्यक्त केली, तर आपल्या पुढच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देखील व्यक्त केल्या। यावेळी विद्यार्थ्यांची कला पाहून पीयूष गोयल भारावून गेले होते। शत प्रतिशत होगा, हर एक चीज होगी। मेरी स्टूडेंट्स काउंसिल के साथ भी चर्चा हुई कार्यक्रम के बाद। उन कुछ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग राज्यों के निफ्ट से, उनसे भी चर्चा हुई है। डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी टेक्सटाइल भी कमिटेड है। मेरा विश्वास है कि शत प्रतिशत जो जो मैंने कहा है वो होगा। और समाज में जो कई ऐसे हमारे हुनार बच्चे हैं जो शायद इतने आर्थिक कैपेसिटी नहीं रखते हैं कि इतनी अच्छी और इतनी महंगी एजुकेशन ले सकें, उनको भी हम और ज़्यादा जोड़ना चाहेंगे निफ्ट के साथ। हम जो ड्यूअल डिग्रीज है उसके लिए भी अब कैंपसेस और बढ़ाएंगे विदेश में, जिनके साथ टाई अप करेंगे और हमारे बच्चों को ड्यूअल डिग्री मिले और विदेश में भी अलग अलग देशों में जाके अपने शिक्षा को बढ़ाने का मौका मिले, जिससे भारत की जो टैलेंट है, भारत का जो हुनर है इन युवा युवतियों का, ये पूरे विश्व तक प्रचारित हो सके। अभी गवर्निंग बोर्ड को मैंने डायरेक्शन दिए, गवर्निंग बोर्ड ऑटोनोमस है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करके एक नए रूप से देखें। वैसे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑलरेडी यहाँ पे स्कॉलरशिप है, लेकिन मैंने अनुरोध किया है कि वो लोग और विचार करें कैसे हम गांव तक जा सकें, कैसे आर्टिसंस के बच्चे और ज़्यादा आ सकें, कैसे हम छोटे शहरों के बच्चों को और विशेषकर उन बच्चों को जिनमें हुनर है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, लेकिन शायद आर्थिक कारणों से नहीं जुड़ते हैं निफ्ट के पढ़ाई के साथ, अब हम कोशिश करके उन सबको जोड़ने के लिए और प्रयास करेंगे। सर, एक्सपोर्ट को कितना बढ़ाया जा रहा है सर, जो इंडियन एक्सपोर्ट है? मुझे लगता है यही सब यहाँ के ग्रेजुएट्स, यहाँ से पढ़ लिख के जो निकलेंगे बच्चे, ये जब अपना अलग अलग प्रकार से भारत में और नए आइडियाज़ के साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे, नए आइडियाज़ विश्व तक पहुंचाएंगे, तो हमारे निर्यात भी बढ़ेगा, निर्यात की वैल्यू भी बढ़ेगी। जो चीज़ नॉर्मल कोर्स में प्राइस पे जाती है, जब उसमें फैशन एलिमेंट आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी कीमत मिल सकती है इंटरनेशनल बाज़ार में।